वेल हेलो फ्रेंड्स, KGF चैप्टर 3 नाम तो जरूर सुना होगा आपने। सो फाइनली एक ऐसी मूवी जिसके मस्ट अवेटेड था, काफ़ी ज़्यादा वेट था, वो रिलीज हो गई और उसने काफ़ी सारे धूम मचा दिए, एकदम तबाही मचा दी, जो सबको पता था। इंडियन वर्जन में सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन गई फर्स्ट डे कलेक्शन के अंदर उसका, और सिर्फ 2 दिन के अंदर इसका 300 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। सी हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं बेसिकली KGF चैप्टर 3 आने वाला है या नहीं, इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फाइनली अब चैप्टर 2 की बात करें, तो जहाँ तक आपने चैप्टर 2 में देखा कि बहुत सारे सीन्स के ऊपर ज़्यादा आपने फोकस नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको फोकस करा देता हूँ। आप उस बंदे को ले लीजिए जो वो छोटा सा लड़का था, अफरान नाम का उसका नाम था कुछ, उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। वहीं पे और भी सारे लोग रहते बट उन पर उतना फोकस ना कर करके उस बंदे के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस किया गया है, जो कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। और उसे मरते हुए भी हमें नहीं दिखाया गया है, जबकि वो अधीरा को KGF में आने से रोक रहा था, ORS सीन में भी उसे रोकने से मरते हुए दिखाया नहीं गया है। इसके साथ साथ बात करें, अब देखो रॉकी को एक हिसाब से चैप्टर 3 में रॉकी जिंदा है ऐसा भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि जब वो नाव से रॉकी पूरे गोल्ड को सारे सोने को लेकर के जा रहा था, तो रश्मिका सेन ने अटैक करने की ठान ली थी और अटैक करने का उन्होंने बोल दिया था कि अटैक कर दो, बट जब वो पानी के अंदर गया तो कहीं भी खून नहीं दिखा और किसी प्रकार से वो ऐसा नहीं दिखा कि वो मर चुका है। ठीक है, अब वो ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ से कहीं बहते हुए पानी से चला जाए, आसपास के गांव वाले उसे बचा ले, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारे फैन थ्योरी हो सकती हैं। तो और भी बातें करूँ तो जैसे कि एक चीज़ और नोटिस किया होगा आपने, जब उसकी बीवी मर जाती है, जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट रहती है, अधीरा जब उसे गोली मार देता है तो वो मर जाती है। अगर वो नहीं मरती तो वहाँ से आप एकदम परफेक्ट कन्फर्मेशन समझ लेते कि हाँ KGF चैप्टर 3 आएगा, बट यहाँ से भी आप नोटिस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे वो मर चुकी है, तो इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। सो फाइनली ऐसा हो सकता है कि जो अफरान नाम का लड़का है उसका कुछ कनेक्शन हो KGF चैप्टर 3 में, उस चीज़ को हमें दिखाया जाए आखिर क्यों, कितना ज़्यादा उसके ऊपर क्यों फोकस किया गया, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं उनके जो कपड़े थे, जो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, मतलब आपने देखे होंगे उनका ड्रेसिंग, उसमें तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का ड्रेसिंग था और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। सो फाइनली ओवरऑल उनके ड्रेसिंग काफ़ी बढ़िया थे, जिन्हें भी बनाया उसने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और लुक्स के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त थे। और अब बेसिकली मेन पॉइंट जो उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया, मैंने एस का खुद का हिंदी आवाज़ सुना तो काफ़ी अच्छा आवाज़ है उनका, बट एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि उन्होंने खुद से इस मूवी का डब नहीं किया, किसी दूसरे बंदे को डब करने के लिए कहा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैंने KGF का आवाज़ सुना एस का, तो रॉकी का आवाज़ सुनने के बाद मुझे बहुत हल्का सा महसूस हुआ, क्योंकि जिस कैरेक्टर के लिए हमें KGF में चाहिए उसके एकदम बल्कि आवाज़ चाहिए होता है, तो उन्होंने ये डिसीजन काफ़ी अच्छा लिया। और जिस बंदे ने भी उनकी डबिंग की है वो काफ़ी ज़बरदस्त की है, कि आपने नोटिस किया होगा कैसे उनके कैरेक्टर को एकदम बिल्ड दे देता है वो आवाज़, वायलेंस वायलेंस वाला डायलॉग ले लीजिए, उसके बाद CEO वाला डायलॉग ले लीजिए, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त, उसके साथ स्टार्टिंग में ही डायलॉग होता है नेपोटिज्म, वो वाला भी डायलॉग ले लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको, मतलब एक नंबर बंदे ने डबिंग की है, इसके ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त, क्योंकि डबिंग नहीं होता उतना खास तो मज़ा नहीं आता, आपको पता है आवाज़ की वजह से क्या क्या हो जाता है। सो फाइनली काफ़ी बढ़िया तरह से, और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया था इसका, बहुत सारी बढ़िया से इसका साउंड भी था, बैकग्राउंड म्यूजिक था, काफ़ी ज़बरदस्त था। सो ओवरऑल चैप्टर 3, तो भाई देखो अपनी अपनी फैन थ्योरी है, सब अपनी अपनी फैन थ्योरी बना रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कुछ भी प्रकार के हो सकता है। बट एक बात बताऊं तो KGF चैप्टर 3 अगर वहां पे हमें हल्का सा ग्लिप्स छोटा सा सीन दिखाया गया है तो यानी कि आएगा, इस चीज़ को तो कुछ बना सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ अगर उस चीज़ को हमें दिखाया गया है कुछ इस प्रकार से तो यानी कि वो आएगा। KGF चैप्टर 2 यानी कि देखा गया हमने रॉकी लास्ट में जब गिर जाता है पानी के अंदर, तो हाँ वो मरा नहीं है वहाँ पर, इस चीज़ को भी नोटिस कर लेना, क्योंकि मरते हुए दिखाया नहीं गया है, तो हाँ इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हाँ चैप्टर 3 आएगा। बट हाँ अगर कहीं प्रशांत नील ने कुछ थॉट लगाया और सलार जो नेक्स्ट मंथ उसका टीजर आने वाला है, जो कि प्रभास है उसमें लीड कास्ट में, अगर उससे थोड़ा बहुत कनेक्शन रहा ना भाई, तो बहुत ज़बरदस्त तूफान मचने वाला, बहुत तबाही हुआ, इतना याद रखना पूरी बॉक्स ऑफिस हिल जाएगी, इतना ज़बरदस्त तरीके से उसको देखने के लिए मिलेगा हमें। सो फाइनली ओवरऑल KGF चैप्टर 3 मेरे हिसाब से लग रहा है कि आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, सलार का रिलीज के बाद ही कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा इसका, जो कि प्रशांत नील स्पेशली बताएंगे। उन्होंने एक्चुअली में तो कुछ सालों पहले बता दिया था कि मैं यहाँ पे इसके आगे चैप्टर नहीं बना रहा हूँ, बट बीच में शायद उनके कुछ थॉट आए हों और लास्ट में वो ग्लिप्स दिखा गया हो कि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, तो इतना ज़्यादा कर सकते हैं हम उसके लिए। और एक चीज़ आपने नोटिस नहीं किया होगा कि जो एक्सपेक्टेशन आप लेके जा रहे थे उससे नंबर 1 मूवी निकल रही थी, उससे ज़्यादा आप देख पा रहे थे उस मूवी के अंदर, ऐसा क्यों हुआ पता है?
जब आपने केजीएफ चैप्टर 1 देखा होगा तो वहाँ पे उतने गजब के सीन्स नहीं देखने के लिए मिले थे जितने गजब के सीन्स इसके अंदर देखने के लिए मिले हैं। ये चीज़ को भी आपने नोटिस किया कि उन्होंने, उनको पता चल चुका था कि केजीएफ चैप्टर 2 का पब्लिक को बहुत ज़्यादा वेट है, इसके लिए उन्होंने इस चीज़ को एकदम और बिल्डअप दे के बनाया। हाँ, और एक चीज़ और, अधीरा के लुक्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं, वो भी आपने देखा होगा। रश्मिका सेन भी काफ़ी ज़बरदस्त। सो फाइनली और एक चीज़ मैं बता दूँ, VFX जहाँ पे थोड़ा सा वीक पड़ा है, जब आपने खलील का सीन देखा होगा, जब रॉकी उससे मिलने जाता है, वो सीन नहीं बता रहा हूँ, जब खलील बोलता है कि अब वहाँ पे रॉकी मरने वाला है, KGF में उसका ख़त्म होने वाला है उसका शासन। सो फाइनली उस वक्त आपने VFX देखा होगा, पीछे का रेतीला वितला सीन, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे कतई चूतिया VFX लगा, वो काफ़ी बढ़िया नहीं था, चूतिया था एकदम, काफ़ी मज़ा नहीं आया मुझे। सो फाइनली वो सीन देख के मैं थोड़ा सा वो हो गया। और हाँ, एक शॉकिंग चीज़ और, जब आपने देखा कि जब रॉकी दुबई से आता है वो सारे बंदूकों को ले करके, और वहाँ पे आने के बाद कैसे अधीरा के जो बाकी सारे गुंडे होते हैं उनको मार देता है, बट जब फिर नेक्स्ट सीन आता है अधीरा का तो वहाँ पे वो बंदे फिर से दिखा देते हैं। इस चीज़ को भी आपने नोटिस शायद नहीं किया होगा, ऐसा हो रहा है, मेरे को देखने के लिए मिला। सो फाइनली मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और मैं बात करूँ तो ओवरऑल काफ़ी चीज़ों की बात कर चुके हैं हम, तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है और काफ़ी बढ़िया है। तो हाँ, एक हिसाब से केजीएफ चैप्टर 3 आएगा, बट टाइम लगेगा, टाइम कुछ बता नहीं सकते कितना समय लगेगा। हाँ, सलार से कनेक्शन हो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। सो अगर आपको क्या लगता है, सबकी अपनी अपनी फैन थ्योरी है, आपकी क्या फैन थ्योरी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मूवी देख ली कि नहीं, मैंने पहले बोला था स्पॉइलर ज़्यादा नहीं दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।